क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि फरवरी में 28 डेज ही क्यों होते हैं? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जानना होगा। जब पहली बार कैलेंडर बना था तो वो बनाया था रोमन्स ने, और उनके राजा न्यूमा पोम्पुलस ने इस कैलेंडर का निर्माण किया था, मतलब उसका आविष्कार किया था। तो उस समय उनके सामने चुनौतियाँ थी कि जो सीजन्स थे वो चेंज हो रहे थे, तो उनको उसी हिसाब से उन कैलेंडर्स को अरेंज करना था। तो उन्होंने इस बात के लिए सिर्फ मार्च से दिसंबर तक के ही महीने चूज किए, मतलब उसमें जनवरी और फरवरी जो 2 महीने होते हैं वो तो उसमें थे ही नहीं, मतलब वो तो उससे गायब थे। तो इन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा के उन महीनों को 30 और 31 दिन दिए। लेकिन थोड़े दिन बाद एक नया राजा आया और उसने कहा इवन नंबर हमारे लिए अनलक्की है, और हमारा जो मून है वो अलग अलग दिन के हिसाब से अपनी पोजीशंस को चेंज करता है। तो इन्होंने कहा कि हमारे मून को 29.5 डेज लगते हैं हमारी अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए। और सबसे पहले 12 मंथ का कैलेंडर बनाने के बारे में इसी राजा ने सोचा था, तो इसने क्या किया, सिंपली 29.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो था 354। तो जैसा कि आपको पता है इनको इवन नंबर से नफरत थी, तो आ गया 354 यानी इवन, तो एक और ऐड करके इन्होंने बनाया 355। जनवरी को मिले 29 डेज और फरवरी को मिले 28 डेज। तो ये सब हो जाने के बाद उनका एक और राजा आया और उसने जनवरी और फरवरी को मार्च से पहले और दिसंबर के बाद लाना शुरू किया और 10 दिन और ऐड किए, वो 10 दिन 365 डेज बन गए थे। और इसीलिए एक दिन जो बच रहा था वो उन्होंने फरवरी को दिया। अभी से फरवरी में 29 डेज होते हैं और ये हर 4 साल बाद होता है, और इसीलिए हम उस साल को लीप ईयर नाम देते हैं, मतलब उसको लीप ईयर कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी फैक्ट वीडियोज डेली देखने के लिए।